हेलो विद्यार्थियों, आज हम सेट थ्री का समाधान करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जो प्रश्न तीनों सेट में अलग अलग थे, सिर्फ उन्हीं का हल बताया जाएगा और बाकी क्वेश्चंस का आपको आंसर देखने हैं तो सेट टू में देख लीजिएगा। उसका वीडियो मैं पहले डाल चुकी हूँ, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में मिल जाएगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ये देखिए वाक्य भेद का प्रश्न, जो कि तीनों सेट में अलग अलग था। आइए प्रश्न पढ़ते हैं। निर्देशानुसार रचना के आधार पर वाक्य भेद पर आधारित पांच बहुविकल्पी प्रश्नों में से किन्हीं चार प्रश्नों के सही उत्तर वाले विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न, वे जब भी दिल्ली आते मुझसे जरूर मिलते। इस वाक्य को सरल वाक्य में आपको बदलना है। दिल्ली आने पर वे मुझसे जरूर मिलते, वे दिल्ली आते और मुझसे भी जरूर मिलते, वे मुझसे मिलते तथा दिल्ली अवश्य ही आते, जब कभी वे दिल्ली आते मुझसे अवश्य मिलते। तो इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि सरल वाक्य में बदलना है, ए विकल्प सही है, दिल्ली आने पर वह मुझसे जरूर मिलते। दूसरा प्रश्न, कस्बे में एक बड़ा बाजार और एक नगर पालिका भी थी। इस वाक्य का संयुक्त वाक्य आपको बनाना है। कस्बे में एक बड़े बाजार के साथ एक नगर पालिका भी थी, क्योंकि कस्बे में एक बड़ा बाजार तो था नहीं, इसलिए साथ में एक नगर पालिका थी। कस्बे में एक बड़ा बाजार और नगर पालिका दोनों साथ साथ थे। कस्बे में एक बड़ा बाजार था और नगर पालिका भी थी। तो इसका सही विकल्प, क्योंकि संयुक्त वाक्य बनाना है, तो कस्बे में एक बड़ा बाजार था और एक नगर पालिका भी थी, डी विकल्प इसका सही उत्तर हो। तीसरा प्रश्न, आग में सुई धागे का आविष्कार कराने वाली योग्यता संस्कृति है। इस वाक्य का मिश्र वाक्य है, इसको मिश्र वाक्य में आपको बदलना है। संस्कृति योग्यता भी है और आग में सुई धागे का आविष्कार भी कराती है। योग्यता ही आग में सुई धागे का आविष्कार कराती है और यह संस्कृति है। जो योग्यता आग में सुई धागे का आविष्कार कराती है वह संस्कृति है। आग में सुई धागे का आविष्कार करने वाली योग्यता ही संस्कृति है। तो इसका सही उत्तर होगा, जो योग्यता आग में सुई धागे का आविष्कार कराती है वह संस्कृति है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में से संयुक्त वाक्य पहचान। यहाँ आपको संयुक्त वाक्य छांटना है और सही विकल्प चुनना है। फादर को याद करना एक उदार शाम संगीत को सुनने जैसा है। वे प्रतिकार में शोर शराबा नहीं करते, बल्कि प्रतिपक्ष की रक्षा करते हैं। हम समाज और इतिहास में भी ऐसे अनेक प्रसंगों को देख सकते हैं। उन्होंने इलाहाबाद और लखनऊ से प्रकाशित अमृत प्रभात में भी नौकरी की थी। यहाँ देखिए, ये सरल वाक्य है। हम समाज और इतिहास में भी ऐसे अनेक प्रसंग, ये भी सरल वाक्य है। उन्होंने इलाहाबाद और लखनऊ से प्रकाशित अमृत प्रभात में भी नौकरी, तीनों सरल वाक्य है, लेकिन हमें संयुक्त छांटना है, इसलिए बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। प्रतिकार में शोर शराबा नहीं करते, बल्कि प्रतिपक्ष की रक्षा करते, केवल दो सही है, ए विकल्प इसका सही उत्तर होगा। पांचवा प्रश्न, स्तंभ एक को स्तंभ दो से सुमेलित कीजिए और सही विकल्प का चयन कर लिखिए। स्तंभ एक में वाक्य दिए गए हैं, स्तंभ दो में उनके नाम दिए गए हैं, जो कि हमें सुमेलित करने हैं। उनका सौंदर्य बहुत सूक्ष्म है और भाषा पारदर्शी, ये है आपका संयुक्त वाक्य। वे भोपाल के भारत भवन में काम करने लगे, ये है सरल वाक्य। जहां विजय है वहीं नायक की सफलता है, ये है मिश्र वाक्य। यानी कि तीसरा, पहला और दूसरा, तीसरा पहला और दूसरा, सी विकल्प इसका सही उत्तर होगा। अब दूसरा प्रश्न, जो कि पद परिचय का था, जो तीनों सेट में अलग था, ये इसको भी देख लेते हैं। निर्देशानुसार पद परिचय पर आधारित पांच बहुविकल्पी प्रश्नों में से किन्हीं चार प्रश्नों के सही उत्तर वाले विकल्प चुनकर लिखिए। दुलारी अपने कठोर स्वभाव के लिए जानी जाती है, या दुलारी को रेखांकित किया गया है जिसका पद परिचय हमें देना है। दुलारी एक नाम है इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पर व्यक्तिवाचक संज्ञा आपको दो जगह दिखेगी, एक वचन है, स्त्रीलिंग है, दोनों में ही समान है ये तीनों चीजें, लेकिन दुलारी कर्ता कारक है, जो इसमें तो संप्रदान दिया हुआ है, तो यह कर्ता कारक सी विकल्प इसका सही उत्तर होगा। दूसरा प्रश्न, उन्होंने कम से कम अपनी बेटी को तो अच्छी शिक्षा दी, में रेखांकित पद का परिचय देना है। अपनी बेटी के आगे अपनी लगा हुआ है और यहाँ अपनी शब्द का पद परिचय हमें देना है। देखिए, ये बेटी जो कि एक संज्ञा है, संज्ञा की विशेषता अपनी शब्द बता रहा है, जो कि विशेषण की तरह इस्तेमाल हुआ है, तो सार्वनामिक विशेषण है, पर दो जगह सार्वनामिक विशेषण दिख रहा है। एक वचन है, स्त्रीलिंग है, ये तीनों चीज यहाँ समान हो गई है, लेकिन बेटी विशेष है, विशेषण जहां दिखाया जाता है उसका विशेष होता है, तो बेटी विशेष है, इसलिए विकल्प ए इसका सही उत्तर होगा। तीसरा प्रश्न, अगस्त में हमारे विद्यालय का नया सत्र प्रारंभ हो गया, हमें रेखांकित पद का परिचय देना है। अगस्त में को रेखांकित किया गया है, अगस्त जो कि समय बता रहा है सत्र के प्रारंभ होने का, तो ये कालवाचक क्रिया विशेषण है और प्रारंभ हो गया क्रिया की विशेषता बता रहा है।
चौथा प्रश्न, खाली समय का उपयोग मैं पुस्तकें पढ़ने में करती हूँ, मैं रेखांकित पद का परिचय है या मैं को रेखांकित किया हुआ है, ऐसा प्रश्न इससे पहले वाले सेट वन में भी आया था। मैं जो कि उत्तम पुरुष सर्वनाम होता है और यहाँ दिया हुआ है बी विकल्प में, एक वचन है, स्त्रीलिंग है, करती हूँ आया इसलिए स्त्रीलिंग है और कर्ता कारक है, तो बी विकल्प इसका सही उत्तर होगा। पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में रीतिवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, ये नहीं आपको याद रखना है, और रीतिवाचक क्रिया विशेषण जिसमें नहीं है। रीतिवाचक क्या होता है, क्रिया किस ढंग से हुई इस बात को बताता है, वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है। तो पहला विकल्प देखेंगे, दुनिया सब कुछ होम कर देने वालों पर भी हंसती है, वे उसके ठीक सामने जाकर सावधान की मुद्रा में खड़े हो गए, वैसे झुकाकर धोती के सिरे से आंखें पहुंचने लगा, हालदार साहब तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके, देखिए इन तीन में रीति पता चल रही है हमें, सावधान की मुद्रा में खड़े हैं, धोती के सिरे से आंखें पहुंचने की क्रिया हुई है और तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपकने की क्रिया हुई है, लेकिन पहला जो विकल्प है इसमें रीतिवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। अगला प्रश्न जो कि तीनों सेट में अलग था वो है गद्य पाठों पर आधारित प्रश्न। पहला प्रश्न, एक कहानी ये भी पाठ में कॉलेज के दिनों में लेखिका हड़ताल तथा आंदोलन में भी भाग लेती रहती थी, क्या लड़कियों को ऐसी गतिविधियों में भाग लेना उचित था, पाठ के आधार पर तर्क सहित उत्तर लिखिए दीजिए। देखिए बेटा, ये टोटल ही आपकी क्रिएटिविटी, आपकी सोच, आपके चिंतन मनन पर आधारित प्रश्न है। लेखिका हड़ताल और आंदोलन में तो भाग लेती थी हमने देखा है, तो लड़कियों को ऐसे गतिविधियों में भाग लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्या लेना उचित है, इसका तर्क सहित आपको उत्तर देना था। तो मेरे ख्याल से तो उचित ही है, क्योंकि देश की आधी आबादी है वो देश की हर गतिविधि में भाग ले जिससे देश का उत्थान हो, देश का विकास हो, तो स्त्रियों की भी उतनी भागीदारी होनी चाहिए। तो लड़की ने अगर हड़ताल और आंदोलन में भाग लिया है तो ये उचित ही था, ये मेरे अनुसार है, पर आप अपने अनुसार तर्क सहित इसका उत्तर दे सकते थे। दूसरा प्रश्न, किसी भी क्षेत्र और कला में सफल होने के लिए किन किन गुणों की आवश्यकता होती है, नौबत खाने में वादित पाठ के आधार पर अपने शब्दों में लिखिए। देखिए यहां हमें बता दिया गया है, ये अगर ये नहीं देते तो कंफ्यूजन था कि किस पाठ से आया है, लेकिन यहाँ नौबत खाने में इबादत जो कि शहनाई से संबंधित पाठ था बिस्मिल्लाह खां जी का, उसके बारे में उन चीजों को ध्यान में रखें कि सफल होने के लिए किन किन गुणों की आवश्यकता होती है। तो देखिए उसमें बताया था, एक तो वो हर समय रियाज करते रहते थे, तो बार बार अभ्यास की जरूरत होती है, किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए बार बार अभ्यास की आवश्यकता होती है। अगला उसमें बताया गया था कि बिस्मिल्लाह खां जी बहुत विनम्र थे और वो पांचों वक्त की नमाज में ईश्वर से हमेशा अच्छा सुर मांगा करते थे, सच्चा सुर मांगा करते थे, यानी विनम्रता के भाव के साथ उनमें सीखने की क्षमता बहुत ज्यादा थी। तो किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए सीखने का गुण होना भी अति आवश्यक है। तो दो विशेषताएं आप लिखते तो आपका दो नंबर का प्रश्न पूर्ण हो जाता। जैसे आपके इंग्लिश में एक चैप्टर था द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट, उसमें बताया गया था कि अच्छा साइंटिस्ट बनने के लिए किन किन गुणों की आवश्यकता होती है, जैसे उसमें क्यूरियोसिटी के बारे में बताया था, तो इसी तरह से आपको सोच करके भी इसका आंसर आप लिख सकते थे, और नौबत खाने में इबादत पाठ पढ़ा उसके आधार पर भी आप विशेषताएं ढूंढ कर लिख सकते थे। अगला प्रश्न, बाल गोविंद भगत अपने खेत की सारी फसल साहब को भेंट चढ़ा देते और प्रसाद में जो कुछ मिलता उसी से गुजारा करते थे, उनके ऐसा करने के पीछे क्या कारण रहे होंगे। देखिए बाल गोविंद भगत में हमने पढ़ा था कि वो कबीर को अपना साहब मानते थे और कबीर जी के आदर्शों पर ही चलते थे, तो कबीर जी जो थे वो अधिक संग्रह को महत्व नहीं देते थे, वो मानते थे कि जितने में आपका गुजारा चल जाए उतना ही इस्तेमाल करना चाहिए, बाकी गरीबों या जरूरतमंदों को दे देना चाहिए। तो जो बाल गोविंद भगत जी थे वो भी अपने खेत की सारी फसल साहब को भेंट करते थे, तो एक तरह से उनके प्रति उनका वो श्रद्धा का भाव था, श्रद्धा को अर्पित करने का भाव था, श्रद्धा को व्यक्त करने का भाव था, वहां से जो प्रसाद के रूप में मिलता था उससे अपना गुजारा करते थे, यानी उनको लगता था कि साहब के प्रति या कबीरदास जी के प्रति वो अपनी श्रद्धा व्यक्त कर पा रहे हैं, उनको आदर्श मान रहे हैं, तो उनके आदर्शों पर वो चल भी रहे हैं, उनके नक्शे कदम पर चल रहे हैं और बहुत ज्यादा चीजों का संग्रह नहीं कर रहे हैं, और वो गृहस्थ होते हुए भी सन्यासी का जीवन जीते थे, क्योंकि कबीरदास जी भी एक साधु थे, एक सन्यासी थे, वैसे ही वो भी सन्यासी का जीवन जीते थे। तो ये सब जो कार्यकलाप जो क्रिया वो करते थे उससे उनको लगता था कि हाँ मैं बिल्कुल साधु की तरह जीवन जी रहा हूं, तो शायद इसीलिए वो अपना सब कुछ कबीर पंथी मठ में चढ़ा दिया करते थे। अगला प्रश्न, क्या आप लखनवी अंदाज के लेखक के इस बात से सहमत हैं कि बिना विचार घटना और पात्रों के सिर्फ इच्छा मात्र से कहानी की रचना संभव है, तर्क सहित उत्तर दीजिए। देखिए बिना पात्र विचार घटना की कहानी लिखी नहीं जा सकती, और कहानी लिखी भी जाएगी तो उसको एक लेख की तरह पढ़ सकते हैं पर कहानी उसे नहीं कह सकते, लेकिन
जैसा कि हमने लखनवी पाठ में देखा कि नवाब साहब ने बिना खीरा खाए ही, खीरे को मात्र सूंघ कर ही उनका पेट भर गया और भरे पेट की डकार भी आ गई। यदि ऐसा संभव है तो बिना पात्र घटना और विचार के कहानी लिखी जा सकती है, ऐसा लेखक ने कहा है। लेकिन लेखक ने ये व्यंग किया है, ना कि सत्य माना है इस चीज को, इसलिए हम कह सकते हैं कि बिना पात्र विचार और घटना की कहानी नहीं लिखी जा सकती है। अगला प्रश्न, निर्धारित कविताओं के आधार पर निम्नलिखित चार प्रश्नों में से किन्हीं तीन प्रश्नों के उत्तर लगभग 25 से 30 शब्दों में दीजिए। यहाँ वर्ड लिमिट का तो आपको ध्यान रखना ही था, 2-2 नंबर के प्रश्न थे। पहला प्रश्न, संगीतकार मुख्य गायक का साथ कब और क्यों देता है? देखिए, यहाँ कई कारण कविता में बताए गए थे कि संगीतकार कब कब मुख्य गायक का साथ देता है। तो यह पूछा है कब और क्यों, तो पहले कब का जवाब हमें देना है। तो इसमें जितने भी पॉइंट्स आप दे सकते थे, 3 या 4 पॉइंट कविता में आए हैं, आपने कितने दिए? 2 भी आप देंगे तो भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। इसमें ये बता सकते थे कि संगीतकार मुख्य गायक का साथ जब देता है, जब मुख्य गायक अंतरे की जटिल तानों में खो जाता है, वो अपने सुर से भटकने लगता है, किसी अनहद में चला जाता है, या कभी कभी संगीतकार मुख्य गायक का साथ यूं ही दे देता है सिर्फ ये बताने के लिए कि वो अकेला नहीं है, उसके साथ कोई और भी है, या वो स्थाई को संभाले रहता है कि गाया जा चुका राग फिर से गाया जा सकता है। तो 4 बिंदु थे, आपने कोई भी 2 बिंदु लिखे होंगे तो आपको अंक मिलेंगे। लेकिन क्यों देता है ना, इसमें ये प्रश्न है, क्यों देता है? क्योंकि संगीतकार का मुख्य काम है मुख्य गायक को आगे बढ़ाना, उसकी हर तरह से सहायता करना। तो उसकी सहायता के लिए या उसको अकेलापन महसूस ना हो, इसीलिए वो संगीतकार मुख्य गायक का साथ देता है। दूसरा प्रश्न, फागुन की किन विशेषताओं का वर्णन कवि ने अट नहीं रही है कविता में किया है? देखिए, फागुन की बहुत सारी विशेषताएं आप बता सकते थे कविता के आधार पर, या अपने मन से भी थोड़ी उसमें ऐड कर सकते थे। फागुन का महीना वसंत ऋतु के आसपास होता है या वसंत ऋतु में होता है, तो वसंत ऋतु में कैसा मौसम होता है, वातावरण कैसा होता है, पर्यावरण कितना खूबसूरत होता है, प्रकृति अपने चरम पर, अपने चरम सौंदर्य पर होती है, उस सब का चित्रण आपको इस प्रश्न के उत्तर में लिखना था कि फागुन के महीने में मौसम बहुत सुहावना होता है, ना अधिक ठंड होती है ना अधिक गर्मी होती है, और व्यक्ति का मन एकदम उड़ने को हो आता है, ऐसा लगता है जैसे उसको पर मिल गए हों। सौंदर्य चारों तरफ प्रकृति में इतना बिखरा पड़ा रहता है कि वो आंखें उससे हट नहीं पाती हैं चाहकर भी। पेड़ पौधों में नए पत्ते आ जाते हैं, कहीं नई कोंपल आ रही है तो कहीं हरे और कहीं लाल पत्ते दिखाई दे रहे हैं, बेलों में खूबसूरत फूल खिले हुए हैं, जो ऐसा लगता है जैसे फागुन के गले में रंग बिरंगे फूलों की मंद गंध, जिनमें हल्की खुशबू हो, उस तरह के फूलों की मालाएं पड़ी हुई हैं, और जगह जगह सौंदर्य इतना बिखरा पड़ा रहता है कि जो कि कहीं भी समा नहीं पाता है। तो ये आपको चित्रण इसमें करना था 2 नंबर के लिए। अगला प्रश्न, कवि बादलों से गरजने का अनुरोध क्यों करता है? उत्साह कविता के आधार पर देखिए, गरजने का अनुरोध क्यों करता है? चूंकि गरजना अपने आप में क्रांति का प्रतीक है, बादल को यहाँ क्रांति दूत माना है, और जब क्रांति आती है, कब आती है? जब लोगों में गर्जना आती है अपने हक पाने के लिए, उनमें एक जुनून आता है, उनमें एक समझ आती है, तो समाज में क्रांति आती है। इसीलिए यह कहा गया है कि गर्जने के लिए क्यों कहा गया, क्योंकि यदि लेखक बादल को बरसने के लिए कहते तो क्रांति के बाद का सुखद परिणाम होता, लेकिन यहाँ तो कवि क्रांति लाना चाहते हैं समाज में समानता के लिए, या लोगों के जो वंचित लोग हैं जिनके हक छीन लिए गए उनका हक दिलाने के लिए समाज में क्रांति लाना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने बादल को गरजने के लिए कहा है। चौथा प्रश्न, लक्ष्मण द्वारा परशुराम को चुनौती देने के क्या कारण थे? अपने शब्दों में पाठ के आधार पर लिखिए। लक्ष्मण जी ने परशुराम जी को चुनौती इसलिए दी होगी क्योंकि परशुराम जी शिव धनुष तोड़ने वाले के लिए भला बुरा कह रहे थे, अपशब्द कह रहे थे, और जैसा कि पता है लक्ष्मण को कि उनके बड़े भाई राम के द्वारा ही धनुष को तोड़ा गया है, तो अपने बड़े भाई की बेइज्जती वो बर्दाश्त नहीं कर सके, इसलिए उन्होंने परशुराम जी को चुनौती दे दी। और बाद में परशुराम जी भी डींग हांक रहे थे और लक्ष्मण को बार बार धमकाने की कोशिश कर रहे थे, बार बार फरसा दिखा रहे थे, इसको लक्ष्मण जी अपना अपमान समझ रहे थे क्योंकि वो भी एक वीर योद्धा थे, और एक वीर योद्धा किसी की चुनौती को आसानी से हार नहीं मान सकता है, उस चुनौती को स्वीकार कर लेता है, इसीलिए लक्ष्मण ने भी परशुराम जी को चुनौती दे दी। और अंतिम प्रश्न जो कि तीनों सेट में अलग अलग था, ये है आपका, आप रोहन रोहिणी हैं, अपने दादाजी को उनकी 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर लगभग 40 शब्दों में एक बधाई संदेश लिखना है। यानी दादाजी का 75वां जन्मदिन है, 75वीं वर्षगांठ है, 75 ईयर्स होकर कंप्लीट कर चुके हैं, तो उनको एक बधाई संदेश देना था, तो ये आपने लिख दिया होगा।
अथवा था इसका वन संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए लगभग 40 शब्दों में एक आकर्षक विज्ञापन तैयार करना था, यानी इसका विषय था वन संरक्षण, वन रहेंगे तो हम रहेंगे या वन बचेंगे तो हम बचेंगे। इस तरह के टाइटल के साथ आप वन संरक्षण से संबंधित एक आकर्षक विज्ञापन तैयार कर सकते थे जो कि आपको 4 अंक लाने में हेल्प करता। तो ये था आपका सेट 3, ये भी कंप्लीट हो चुका है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा ताकि वो भी अपने नंबरों का मिलान कर सकें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय, टेक केयर।